हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एकेडमी। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड येट, काइंडली वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर आई हैव रिटेन सम फार्मूलाज। तो चलिए, हम इन फार्मूला पर डिस्कस करने से पहले हम मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट प्राइस को हम लिस्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे या मॉल्स में आप चले जाएं, प्रत्येक सामान पर एक कार्ड लगा रहता है जिस पे उसका प्राइस लिखा होता है। उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। अब हम समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट समझने के लिए आपको पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कोई सामान जिसका प्राइस 100 रुपीज है, अगर उसे शॉपकीपर 80 रुपीज में किसी को वो बेच रहा है, तो 80 रुपीज में बेचने का मतलब हुआ कि वो हमें 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। तो जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट के लिए हमें मार्केट प्राइस जो उसका 100 रुपीज था और सेलिंग प्राइस जिस पे उसने 80 रुपीज लिख रखा है, तो मार्केट प्राइस पे से जब हम एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। तो चलिए, हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी समझते हैं। तो एसपी में, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम मार्केट, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, दैट मीन्स मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेकेंड फार्मूला इज डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? किसी भी सामान पर जो हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, जैसे हमें 20 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, तो उसका 20 रुपीज़ जो डिस्काउंट मिला है उसका परसेंटेज क्या होगा, मीन्स कितने परसेंटेज हमें डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो उसे हम डिस्काउंट को जब मार्केट प्राइस से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट बाय एमपी मल्टीप्लाई 100। और इस तरह आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जब हमें डिस्काउंट निकालना होगा, डिस्काउंट हम कब निकालेंगे, मान लीजिए हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें बताना होगा कि डिस्काउंट क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। नेक्स्ट फार्मूला इज एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें कब निकालने के लिए कहा जा सकता है? जब हमें मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ हमें जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑब्लिक 100 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट फार्मूला इज अबाउट एमपी। एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो एमपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इससे आप समझ गए होंगे कि जब हमें एमपी निकालना होगा, मीन्स मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो डिस्काउंट समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, जिसमें हमें डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ एसी वाज स्लैश्ड फ्रॉम ₹35,000 टू ₹29,400 इन द विंटर सीजन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। इसका मतलब हुआ कि एसी का प्राइस 35,000 से 29,400 विंटर सीजन में हो जाता है, मतलब
जिस एसी का प्राइस 35,000 गर्मी में था, उसका प्राइस विंटर में फॉल करके 29,400 हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो हमें इसमें डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो इसमें सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो दिया हुआ क्या है, मार्केट प्राइस इक्वल टू रुपीज 35,000 ऑलरेडी हैड गिवेन, एसपी इक्वल टू रुपीज 29,400। अब डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यूज पुट करते हैं, 35,000 माइनस 29,400 विच इज इक्वल टू, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,600 रुपीज, यानी डिस्काउंट हमें निकल गया 5,600 रुपीज। अब हमें अगर डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मैं बताई थी आपको अभी, डिस्काउंट ऑब्लिक मल्टी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब डिस्काउंट हमें मिल चुका है 5,600, ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है 35,000, ठीक। अब हम इसे कैंसिल करेंगे और उसके बाद देखिए कैंसिल करने पे हमें डिस्काउंट परसेंटेज क्या मिला 16%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कैमरा इज रुपीज 32,500 आफ्टर अलाउंग अ 20% डिस्काउंट टू द कस्टमर और शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा। अब इसे हम हिंदी में समझते हैं, कैमरे का प्राइस मार्केट प्राइस 32,500 है, जब शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट उस कैमरे पर दिया उसके बावजूद भी शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें उस कैमरे का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मीन्स सीपी निकालना है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अभी बताई हूँ कि हमें क्या क्या दिया है वो हम लिख लेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है एम पी इक्वल टू रुपीज 32,500, डिस्काउंट इक्वल टू 20%, ये हमें क्वेश्चन में गिवेन है। तो इससे हमें अब डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ 32,500 विच इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 32,500 कैंसिल, और इस तरह से हमें इसका आंसर मिला रुपीज 6,500। अब देखिए अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इसमें पहले, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमें क्या दिया हुआ है रुपीज 32,000
500, और डिस्काउंट अभी अभी हमने निकाला है, डिस्काउंट हमारा निकला है 6500। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आ रहा है 26000। तो हमें एसपी मिल चुका है, डिस्काउंट मिल चुका है। अब इसके बाद हमें निकालना है, पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30%। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 मल्टीप्लाई एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस अभी अभी निकाला है, उसके आधार पर हमें कॉस्ट प्राइस के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे अलाउ करना होगा। अब इसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए 13 से हमारा 2600 कैंसिल हुआ है 200 टाइम्स में, और इस टाइप से हमें इसका आंसर आएगा ₹20,000। इसका नेक्स्ट पार्ट है जीएसटी। तो जीएसटी का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। जीएसटी मीन्स गुड सर्विसेज टैक्स, जी फॉर गुड, एस फॉर सर्विसेज, टी फॉर टैक्स। तो जीएसटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में सेंटर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक टैक्स किसी भी सामान पर अप्लाई किया जाता है, टोटल टैक्स को ऐड करके उसे हम जीएसटी के रूप में जानते हैं। तो जीएसटी का फॉर्मूला है जीएसटी इक्वल टू जीएसटी परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इसे फॉर्मूला को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। लीना अबाउट एन एसी फॉर ₹22,000 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 28%। फाइंड द प्राइस ऑफ द एसी बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। लीना ने एक एसी जिसका प्राइस 22,000 था और जिस पर जीएसटी 28% इंक्लूड था उसे खरीदा। तो हमें एसी का प्राइस जीएसटी ऐड करने से पहले जो था वो निकालना है, यानी एसी का प्राइस जीएसटी ऐड करने से पहले जो अप्लाई किया गया था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है वो पहले हमें लिख लेना चाहिए। प्राइस ऑफ एसी हमारा मान लीजिए हमने इसे एक्स मान लिया, क्योंकि ये हमें नहीं दिया है, यही तो हमें निकालना है। तो प्राइस हो गया हमारा ₹1। इसे हम सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, यानी कॉस्ट प्राइस, और जब जीएसटी को ऐड करते हैं तो वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹22,000। तो कॉस्ट प्राइस अभी अभी हमने माना है एसी का ₹1। तो कॉस्ट प्राइस की जगह हमें एक्स पुट करते हैं, और जीएसटी हमें दिया हुआ है 28% ऑफ एक्स।
इक्वल टू रुपीज 22,000, एक्स प्लस 28/100, एक्स रुपीज 22,000, एक्स बाई 100 इक्वल टू रुपीज 22,000। और इस तरह से हम x का वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 100 बाय 128 और जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 17,187.50, विच मीन्स 17,187 रुपीज और 50 पैसे। तो हमारा एसी का प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या निकला, 17,187 रुपीज 50 पैसे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी।